नमस्कार। ज्ञान दर्पण पर आप अक्सर किलों और महलों के वीडियो देखते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको इन्हीं किले और महलों को विदेशियों को दिखाने वाले जो टूरिस्ट हैं या टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन जो हैं उनके प्रेसिडेंट हैं मदन सिंह जी राजपुरा, हम उनसे मिलवाते हैं। मदन सिंह जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मदन सिंह जी, आपने ये साफा पहना हुआ है और ये राजस्थानी ड्रेस पहनी हुई है, तो ये एक तरह से जो राजस्थानी संस्कृति के साथ अब राजस्थानी वेशभूषा के अंदर जब आप पर्यटकों को दिखाते हैं तो पर्यटक इस पर कैसा रिएक्ट करते हैं? खमा गणिसा, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान की जो संस्कृति, कहते हैं कि राजस्थान की सांस्कृति, भौगोलिक, आर्थिक परिस्थिति जो है वो एक टूरिज्म के हिसाब से सबसे बढ़िया मानी गई है पूरे स्टेटों के अंदर। टूरिस्ट के ऊपर सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ता है वो ये होता है कि जब टूरिस्ट राजस्थान के अंदर आता है तो राजस्थान में एंट्री करते ही टूरिस्ट को एक अलग सी भावनाएँ आती है। राजस्थान का मतलब है कि एक राजाओं का स्थान रहा, जहाँ पे राजा महाराजा रजवाड़े, जहाँ पे किले, जहाँ पे फोर्ट और पैलेसेस बने हुए हैं, और एक आर्किटेक्चर। और देखिए, उससे सबसे बड़ी चीज़ जो आती है कि राजस्थान का पहनावा। जब टूरिस्ट आता है और राजस्थान का एक ड्रेस होता है, अब सेखावटी में अगर एंट्री करता है, धोती कुर्ते में अगर उसको पहनता है या साफा लगाया हुआ पहनता, तो उसके लिए एक अलग फीलिंग होती है। तो कई बार टूरिस्ट हमसे रिक्वेस्ट करता है कि मैं एक बार रुक के इनके साथ फ़ोटो ले सकता हूँ। तो राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान का कल्चर, और सबसे जो बड़ा है राजस्थान का, वह परिधान। क्योंकि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर जोधपुर जाइए तो अलग परिधान मिलेगा, उदयपुर में अलग, जयपुर में अलग, तो हर जगह अलग अलग अपना मिलता है। लेकिन पगड़ी का बहुत बड़ा विशेष इसमें योगदान रहता है। टूरिस्ट हमेशा आता है तो इसके बारे में पूछता है कि ये जो पगड़ी पहनते हैं क्यों पहनते हैं, कि आपके टेम्परेचर ऐसे रहता है, फिर उसको हम बड़े प्रॉपर तरीके से बताते हैं। मदन सिंह जी, एक बात बताइए कि जितने भी यहाँ पर्यटक आते हैं, बाहर से प्रभावित होकर के जाते हैं, तो आप इनमें, आपको जो चुनौती आती है इसके अंदर, यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई कमियां हैं, सरकार की तरफ से क्या कमियां हैं, या क्या सहयोग नहीं मिल पाता, या सरकार को कौन से कदम उठाने चाहिए, या क्या क्या दिक्कतें हैं जो इस व्यवसाय को अभी उसको आगे बढ़ने से रोक रही है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात करी। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जो टूरिज्म के, एग्रीकल्चर के बाद में टूरिज्म इसका दूसरा बड़ा फोकस है। राजस्थान में देखा जाए तो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखिए, काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। सबसे मूलभूत जो दिक्कतें आती हैं वो आती है आज के टाइम पे, केंद्र सरकार कह रही है कि भाई सारा इंडिया डिजिटल करना हमें, और यहाँ पे जो मेन जो फोकस वाले मोन्यूमेंट हैं, मैं बताऊँ आंबेर फोर्ट की, जो सबसे एक विश्वसनीय पर्यटक स्थल है, क्योंकि आंबेर एक ऐसा किला है जहाँ पर अभी भी हाथी की राइड होती है। तो हाथी की सवारी सुबह वो बड़ा इंजॉय करता है, और उसके बाद में वो कार्ड जाता है एक टिकट लेने के लिए, लेकिन वहाँ पे कार्ड स्वैप मशीन नहीं है। तो ये एक विडंबना है कि हम एक तरफ तो बहुत डिजिटल हो रहे हैं, एक हमारे यहाँ सबसे बड़ी क्या है राजस्थान के अंदर, कि कागजों के अंदर हमारे टूरिस्ट को बढ़ाया जा रहा है और कागजों के अंदर उनकी फैसिलिटी सबको बढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप ग्राउंड के ऊपर जाते हैं तो काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको। तो आप मतलब ये जो समस्याएं हैं, ये सरकार के सामने कभी आपने, आपकी एसोसिएशन ने रखी है? बहुत बार रखी है। अब ये कार्ड स्वैप मशीन की, तो आप ये देखिए कि एक तो बेसिक नीड है हमारी, एक तरफ तो हम लोग डरते हैं कि भाई ज़्यादा कैश कैरी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, चोरी हो सकता है, ये हो सकता है। एवरी डे राजस्थान सरकार को 5,000 रुपये का नुकसान जयपुर में हो रहा है, बिना कार्ड अगर मशीन लगा दी जाते तो 5,000 रुपये का फ़ायदा होगा। तो ये जोड़ा दीदी, ये कार्ड स्वैप वाली जो आप बात कर रहे हैं, ज़्यादातर जो रेलवे के जो वेंडर्स हैं, छोटे छोटे स्टेशनों पे, जैसे अपने नीम का थाना है, इस तरह की जो छोटी छोटी रेलवे स्टेशन है, उनके ऊपर कार्ड स्वैप मशीन जरूरी है, और यहाँ पे जयगढ़ और यहाँ पे जहाँ किले के जहाँ पे विदेशी आते हैं वहाँ पे है ही नहीं, सुविधा नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, आपने बहुत बढ़िया बात करी कि राजस्थान में छोटे छोटे गाँव किराने की दुकान, पान की दुकान, वो भी पेटीएम से लेते हैं आजकल, इतना बदल चुका है राजस्थान। फिर राजस्थान के जो मेन पर्यटक स्थल है वो अभी भी, उनके पास जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, कम से कम कार्ड स्वैप मशीन तो हो। आप बताइए कि कितने राजस्व की हानि हो रही है, और उस जो पर्टिकुलर पर्यटक आ रहा है उसको देखिए कि कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वो आता है देखने के लिए, कितने रुपए की फ्लाइट वो लेके आया है, और उसके किस तरीके से जिज्ञासा कि और लोग तो जा रहे हैं, वो जा नहीं पा रहा, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। उसके अलावा हमारे यहाँ फेयर फेस्टिवल का, आप ये देखिए कि हाथी महोत्सव जो हमारे यहाँ मनाया जाता था वो बिल्कुल बंद हो चुका है 2013 से, और कुछ नहीं है, एक पर्टिकुलर एक एनजीओ था जिसने ऑब्जेक्शन किया कि भाई हाथियों के साथ में हरेसमेंट होता है, जबकि हाथियों के साथ में किसी तरीके का हरेसमेंट नहीं होता है। उसके अलावा साउथ में कुछ इस तरीके से कि जो जानवरों के साथ में खिलाए जाते थे, वो अब जो फेयर फेस्टिवल्स हुए वो बंद हुए, लेकिन वो वापस चालू हो गए। लेकिन राजस्थान में अभी तक किसी ने उसकी किसी तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन, हम लोग कहते हैं तो नहीं साहब, अब देखेंगे, कमेटी बनाएंगे, वो चलती रहती है चीज़ें। मदन सिंह जी, एक बात बताइए इतिहास को लेकर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जैसे आज हम देखते हैं कि ये एक नया शब्द आ गया जोधा अकबर,
और इसके लिए जब भी हम बात करते हैं तो ये बात चली कि शुरू में जो फतेहपुर सीकरी की जो गाइड है उनके मुंह से ये शब्द निकला जोधास, और उन्होंने कहीं गलत एक्सप्लेन कर दिया और ये शब्द निकल पड़ा, आगे फिल्में बन गई। और अभी भानगढ़ के किले में भी हम जाते हैं तो वहाँ पर भी एक स्टोरी सुनाई जाती है कि साहब एक रानी थी वहाँ पर, तांत्रिक था। तो ये क्या आपके जो गाइड्स हैं वो जब पर्यटकों को जो ऐतिहासिक जानकारियाँ देते हैं तो क्या वो प्रमाणिक होती है या इसी तरह से कि भाई एक रोमांच बना दो या कैसे भी दे दो? देखिए कुछ चीज़ें होती हैं कि जो हम एक पर्यटक को जो आज के अपडेट चल रहे हैं उसके हिसाब से बताते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ कि राजस्थान का इतिहास अपने आप में बिल्कुल अलग रहा है। आप देखिए कि जोधा और अकबर वाला जो इतिहास है वो बिल्कुल सही है, और काफ़ी जो आपको मैं बताता इतिहास की जानकारी गाइडों के द्वारा दी जाती है वो हम लोग भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है और उससे लेके और फिर देते हैं। मनगढ़ंत जानकारी हम लोग नहीं दे सकते हैं। और आज के समय के ऊपर तो ये टेक्नोलॉजी हो चुकी है कि जो हमारा गेस्ट होता है वो यूट्यूब पे भी देख लेता है, वो और चैनल्स के ऊपर भी देखता है, उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि राजस्थान में आज टूरिज़्म की बहुत अपार संभावनाएं हैं, लेकिन कभी जोधा अकबर का इशू चलता है तो कभी और कोई ना कोई पाठ्यक्रम में से इस तरीके से बदलाव की इस तरीके की बातें होती हैं, वो इंटरनेशनल इशू बन जाता है। तो पर्यटकों को लगता है कि हो सकता है कि राजस्थान का जो इतिहास यहाँ गाइड बता रहे हैं या यहाँ पर जो पर्यटक स्थलों पर लिखा हो वो गलत लिखा हुआ होगा, तो ये बड़ी समस्याएँ आती हैं हमारे साथ में। जी, एक बात और बताइए, पिछले दिनों जयगढ़ के किले में एक हंगामा हुआ, जो फिल्म उसके एक कहा जाए तो एक जयगढ़ के इतिहास में एक नई घटना जुड़ी, तो क्या उसके बारे में भी जो पर्यटक आते हैं वो पूछते हैं? देखिए ये तो जयगढ़ भाग्यशाली है कि जयगढ़ अब बहुत पॉपुलर हो चुका है जोधा अकबर के बाद में, और वो वहाँ पे थप्पड़ वाला पद्मावती वाला हुआ जो उसके बाद में पद्मावती वाला, उसके बाद में वो थप्पड़ वाला जो कांड हुआ उसके बाद में काफ़ी फेमस हो चुका है। लेकिन ये है कि मैं अभी भी कहता हूँ कि राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन एक तो इतिहास को तोड़ मरोड़ के बार बार के अंदर इस तरीके से अलग अलग कोई बयानबाजियाँ आती है उसका भी बड़ा नुकसान होता है। तो आप थे मदन सिंह जी, आप जो टूरिस्ट गाइड हैं उनके एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और आपने टूरिज़्म के अंदर राजस्थान के टूरिज़्म में बढ़ाने के लिए जो समस्याएँ हैं उनके ऊपर विस्तार से प्रकाश डाला है। सरकार को चाहिए कि इस तरह की समस्याएँ दूर करे ताकि राजस्थान के अंदर पर्यटन बढ़ सके। जुड़े रहे हमारे चैनल ज्ञान दर्पण के साथ, हम फिर इसी तरह की कोई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।